सभी दोस्तों को जय माँ करनी। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे ये माँ करनी का मंदिर है। और आखिरकार काफ़ी मतलब 6-7 साल से मैं विचार कर रहा था कि देशनोक चलता हूँ, माँ करनी के दर्शन करता हूँ, लेकिन आखिरकार आज दर्शन हो ही गए। मैं बीकानेर की तरफ आया हुआ था तो फिर देशनोक के बिल्कुल पास में थे तो सोचा कि माँ करनी के दर्शन कर लेते हैं। और हमने माता के दर्शन किए, अंदर गए और बड़ा ही अच्छा लगा, माता का आशीर्वाद लिया। कहते हैं यहाँ पे अगर सफ़ेद चूहे का दर्शन अगर हो जाता है ना तो मान लो बहुत ही लक्की है। तो आज हमें सफ़ेद चूहे के भी दर्शन हुए, फर्स्ट बार आए थे और आज ही सफ़ेद चूहे के दर्शन हो गए। और मैं उसका वीडियो तो शूट नहीं कर पाया लेकिन हमें दर्शन हो गए तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक व्लॉग शूट कर लेता हूँ। तो अभी मैं अंदर दर्शन करके आ चुका हूँ आगे, और इसी टाइम अभी जोत ली गई थी तो हमें जोत के भी, और बड़ा ही अच्छा लगा। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो एक बार मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा दृश्य विजिट करवा देता हूँ। और आज मैं आया हूँ अकेला, मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ आया था, हम कोई काम से आए थे और वाइफ आज मेरे साथ नहीं आई, हम अपने काम के लिए आए थे। और नेक्स्ट बार जब भी हम माँ के दर्शन के लिए आएंगे तो घर से चल के आएंगे पर्सनली, तो मैं उस टाइम वाइफ को भी साथ लेके आऊँगा, तो उस टाइम हम और भी अच्छा व्लॉग शूट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय माँ करनी। ओके, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही सारे खूब दुकानें हैं जिन पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और ये देखो पीछे की तरफ जो है ये माता का मंदिर है, और ये यहाँ काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद मिलता है, माता की चुंदरियाँ मिलती है, खूब चीज़ें यहाँ पे मिलती है, ये देख सकते हो आप चारों तरफ। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं भाई, दर्शन हो चुके हैं, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ। थोड़ा मैं आपको बाहर का दृश्य दिखा सकता हूँ। यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, तो उसके थ्रू द्वारा भी आप यहाँ पहुँच सकते हो और अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आप आ सकते हो। और अभी देखो मैं आ चुका हूँ बाहर की तरफ, ये है सड़क का, इधर देखो भाई पार्किंग की सुविधा भी है इधर। अभी अपन चलते हैं गाड़ी की तरफ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जय माँ करनी, जय हिंद, जय भारत।